छोटी मोटी भूख हो, सुबह का नाश्ता हो या शाम की चाय हो, सैंडविच तो हम सबको बहुत ही पसंद है। आज हम बनाएंगे एकदम टेस्टी और एकदम क्रिस्पी आलू मसाला सैंडविच। सैंडविच की फिलिंग होगी ऐसी रेडी कि आप बाहर के समोसे तो भूल ही जाएंगे। हाय एवरीवन, मैं हूँ लीना। मेरे चैनल रेसिपीज बाय लीना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आलू का मसाला तैयार कर लेते हैं। पैन में मैंने थोड़ा ऑयल लिया है, जीरा डाल दिया है मैंने उसमें, ये साबुत धनिया मैं ले रही हूँ, इसे मैंने हल्का ही हाथों से क्रश कर लिया है, ये बारीक चॉप अदरक मैं इसमें डाल रही हूँ, इन्हें अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ हमें बस उतना ही मिक्स करना है कि अदरक का कच्चापन दूर हो जाए। ये ग्रीन चिल्ली मैं डाल रही हूँ इसमें, मिक्स कर देंगे। ये एक मीडियम साइज़ का प्याज को मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है, इसे अच्छे से स्टर करते हुए भुनेंगे। बस ध्यान रहे कि हमें प्याज को बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है, सिर्फ इसका कच्चापन दूर हो जाए उतना ही हमें इसे भुनना है। तो प्याज का कच्चापन हमारा दूर हो चुका है, तो चलिए इसमें मसाले ऐड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें कुछ काजू और कुछ किशमिश के पीसेज ऐड कर रहे हैं, इन्हें मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। यकीन मानिए, इसे डालने से आलू मसाला की जो फिलिंग रेडी होगी उसमें बहुत ही अच्छा खट्टा मीठा टेस्ट आएगा, आप समोसे तो भूल ही जाएंगे। हाफ टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर डाल रही हूँ मैं इसमें, रेड चिल्ली पाउडर डाल देंगे, हल्दी पाउडर डाल देंगे, गरम मसाला डाल देंगे, ये हाफ टेबल स्पून आमचूर पाउडर डाला है मैंने, नमक डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ हमें पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। ये दो मीडियम साइज़ के बॉयल्ड आलू लिए हैं मैंने, उसे मैंने अच्छे से मैश कर लिया है, वो मैं इसमें डाल दूंगी और इसे स्पैचुला से अच्छे से प्रेस करते हुए सारे मसालों के साथ मिक्स कर देंगे। अच्छे से हिलाते हुए और प्रेस करते हुए, मैश करते हुए मैं इसे मसालों के साथ अच्छे से भून रही हूँ। जैसे जैसे हम मसालों के साथ आलू को भूनेंगे वो सॉफ्ट होते जाएंगे और इजीली मैश हो जाएंगे। तो आलू को मैंने मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है, बारीक चॉप धनिया मैं इसमें डाल रही हूँ और इसे भी अच्छे से मसालों में मिक्स कर लेंगे। तो देखिए कितनी ही अच्छी बढ़िया हमारी स्टफिंग बनके रेडी हुई है। तो चलिए इसे सैंडविच में फिल करने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले मैं इसे बाउल में निकाल दूंगी और इसे हम ठंडा कर लेंगे। जैसे आप हलवाई से समोसे लाते हो ना, और उसकी जो फिलिंग होती है उससे भी ज़्यादा बढ़िया टेस्टी हमारी फिलिंग बनके रेडी हुई है। तो चलिए सैंडविच बनाने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ मैं वाइट जम्बो ब्रेड का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो नॉर्मल साइज़ की कोई भी ब्रेड, मल्टीग्रेन ब्रेड या ब्राउन ब्रेड का यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने ग्रीन चटनी ली है, इतनी ही थिक ग्रीन चटनी आपको लेनी है। बहुत ज़्यादा पतली चटनी लेंगे तो सैंडविच हमारे सॉगी हो जाएंगे। तो ग्रीन चटनी को मैं ब्रेड पे इस तरह से अप्लाई करूँगी। तो चटनी को हम ब्रेड पे अप्लाई कर लेते हैं, पूरी ब्रेड पे मैं इसे अच्छे से अप्लाई करूँगी। इस तरह से हम पूरी चटनी को ब्रेड पे अप्लाई कर लेंगे। अब इसके ऊपर हम अपनी आलू की फिलिंग को स्प्रेड कर देंगे। अच्छे से फैलाते हुए हमें पूरी ब्रेड पे इस फिलिंग को लगाना है। तो पूरी ब्रेड पर मैं इस फिलिंग को अच्छे से लगा रही हूँ। तो लीजिए, हमने पूरी फिलिंग को ब्रेड पे अच्छे से लगा लिया है। तो अब यहाँ हम दूसरी ब्रेड लेंगे। इस ब्रेड पे मैं टमाटो केचप का यूज़ कर रही हूँ, इस पर भी मैं पूरी ब्रेड पर टमाटो केचप लगा लूँगी इस तरह से। तो टमाटो केचप हमारी लग चुकी है। तो चलिए सैंडविच को कवर कर लेते हैं। हल्के हाथों से इसे दबाएंगे और इसके ऊपर हम बटर अप्लाई करेंगे। पूरी ब्रेड पे ऊपर से हम अच्छे से बटर को लगा देंगे। बटर लगाने से हमारे सैंडविच बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। तो बटर मैंने ऊपर से लगा लिया है। तो चलिए एक पैन में मैं नीचे की साइड बटर लगा रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ तवे का भी यूज़ कर सकते हैं या ग्रिल टोस्टर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो पैन में मैंने बटर को अच्छे से अप्लाई कर लिया है और नीचे वाली साइड से हम इसके ऊपर
सैंडविच को रखेंगे और ऊपर से हल्के से प्रेस करेंगे। और यहाँ आपको ध्यान रखना है कि गैस का फ्लेम आपने बिल्कुल लो रखना है ताकि सैंडविच हमारे क्रिस्पी रेडी हो। तो चलिए इसे पलट के देख लेते हैं। ये देखिए कितना ही सुंदर गोल्डन कलर हमारा सैंडविच का आया है। अब नीचे से भी इसे अच्छे से सेक लेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं इसकी आवाज़। तो सैंडविच हमारा नीचे से भी अच्छे से सिक चुका है। चलिए इसे पैन से निकाल लेते हैं। ये देखिए कितना ही बढ़िया क्रिस्पी हमारा सैंडविच बनके रेडी हुआ है। तो चलिए इसे कट कर लेते हैं। मेरी जंबो ब्रेड है इसीलिए मैं इसके 4 पीसेज में कट करूँगी। आप जिस भी साइज़ की ब्रेड ले अकॉर्डिंगली अपनी मनपसंद की शेप में अपने सैंडविच को काट सकते हैं। तो चलिए मैं इसके 4 पीसेस कर रही हूँ। इस तरह से आराम से हमें काटना है ताकि हमारा सैंडविच बिल्कुल भी ब्रेक ना हो। तो ये देखिए चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए कितना ही कलरफुल हमारा सैंडविच बनके तैयार हुआ है। ग्रीन चटनी की लेयर और केचप की लेयर कितनी अच्छे से दिख रही है इसमें। कितना ही मसालेदार सैंडविच हमारा बनके रेडी हुआ है। आलू के चटपटे मसाले के साथ ग्रीन चटनी और केचप का जो टेस्ट आएगा उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। तो आप भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ क्रिस्पी मसालेदार सैंडविच बनके रेडी है। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली रेसिपीज की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट रेसिपी में।